أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Very venerable viewers, today we are going to talk about Vygotsky social development theory of psychosocial development of child. It's very important regarding social interaction and also about the child development. And let's come to see in it. First of all, this theory argues that interaction, social interaction is very important. And this social interaction will precede development of the child. And social interaction include many things, persons, environment, situations, different places, its different actions, and in different time, it all will affect the child. And ultimately, what happened, it influenced the consciousness and also the cognition of a person. So consciousness ka taluk jo hai na wo uske action ke saath hota hai. और जो कॉग्निशन है यानी उसकी सोच किस तरह से डेवलप हुई, उसके अंदर बात करने का सलीका, उसकी बात को समझने का तरीका, अंदाज क्या है, और वो समझदारी के साथ माहौल के साथ मुताबकत इख्तियार करते हुए अगर बात कर रहा है, उसकी बातों में तवाज़ुन है, की गुफ्तगु के अंदर लिंक्स हैं और डेप्थ है, तो उसका मतलब है कि देयर इज अ इंटरनल चेंज दैट इज हैपेंड ड्यू टू द सोशल इंटरेक्शन. एंड सोशल इंटरेक्शन प्ले अ वाइटल रोल फॉर द सोशलाइजेशन थ्रू द कॉन्शियसनेस एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ द cognition, and ultimately the social behavior of a person appeared. Social behavior, how the person is interacting with the others, other people, how the person is interacting while seeing different places, oh, enjoyable, that is very useful, that is very comfortable, sorry चीजें जो जिस जिस तरह से वो देखता है, उसका इजहार करता है, तो उसका मतलब यह है कि उसका सोशल बिहेवियर दैट इज ग्रूम्ड एंड इम्प्रूव्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम. इट इज ऑल ड्यू टू द सोशल इंटरेक्शन, यानी उसने बहुत सारी जगहों को देखा है, तो वो नई जगह को देखेगा तो उस पर उसके असरात मरतब होते हैं और वो उसके बारे में एक अपनी ओपिनियन रखता है. मुख्तलिफ लोगों को मिलता है और फिर एक शख्स को मिलने के बाद वो अपनी ओपिनियन कायम करता है, कर सकता है, तबसरा करता है, तो ये उसका सोशल बिहेवियर है. और फिर यह है कि एक सिचुएशन में जाके वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है, वो किस तरह से उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, उसके करने के जो काम हो वो करता है या उसके ना करने के काम हो तो वो उससे दूर रहता है, ये उसका सोशल बिहेवियर होगा. इसमें हम देखते हैं कि देर आर थ्री फोर की कॉन्सेप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इज सोशल इंटरेक्शन, हमने बात की कि इसका ताल्लुक मुख्तलिफ तरह से लोगों से, उसकी मुख्तलिफ सिचुएशन से, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ औकात में उसके साथ उसका इंटरेक्शन. और दूसरी जो बात है कि द मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी वो जो बाकी लोग हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं, वो जो जो कुछ चीज़ें इम्पार्ट कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी नहीं कि उसके रिफ्लेक्शन में भी वो उसी तरह से उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हो, कि वो बहुत सारी चीज़ें इर्द गिर्द से कलेक्ट कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है. तीसरा जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो उसका क्लोजली इंटरेक्टिव जोन है, यानी एक जो उसका करीबी ताल्लुक है एक एनवायरनमेंट का दूसरे एनवायरनमेंट के साथ जो उसका ताल्लुक बन रहा है, तो ये उसका एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, यानी कहाँ तक वो
लोगों से बात कर सकता है, किन लोगों से बात कर सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें उसकी दस्तरस में हैं। कुछ चीज़ें होंगी जो उसकी दस्तरस में नहीं है, ना उसने ऑब्जर्व की, ना देखी, ना उसका इंटरेक्शन। इसी तरह स्कैफोल्डिंग है कि वो इंटरेक्ट करने के बाद उसको कैसे मैनेज करता है, किस तरह से उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। थैंक यू वेरी मच।